Assalamualaikum. Welcome to D Collection. Hope everyone is doing great. Another video, and इस बार क्योंकि a lot of customer have been inquiring about you know party wear dresses, handwear dresses के बारे में, bridal dresses के बारे में कि भाई what's coming to your store, क्या-क्या लोग order दे रहे हैं. So it has been quite a long time जो कि मैंने नहीं बनाई. So today is the video. You guys do not have to miss it. It's absolutely beautiful. I can't put it into words. So without any further delay, let's get started. So I'm gonna display first dress in this light pink color. और ये वो dress है जो कि मैंने इसके काफी ज़्यादा इसके मैंने frock बनवाए हुए हैं और इसके साथ किसी ने मेरे से शरारा बनवाया है, किसी ने मेरे साथ you know मेरे से वो बनवाया लहंगा बनवाया. So ये dress बहुत ही खूबसूरत. It is gota plus mukesh और इसके ऊपर फिर हैंड वर्क भी हमने किया हुआ है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर, तो ये शोल्डर से इस तरह का सारा ये हैंड वर्क आ रहा है. और ये जो रेशम का कलर है, ये रेशम कलर हमने इसलिए डार्क दिया है बिकॉज जो इसका दुपट्टा है वो इस कलर का है, ठीक है. और ये दूसरी बात है कि ये सारा हमने चटापट्टी दिया हुआ है, वो मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा. पहले आप काम की क्वालिटी देखे कि ये हमने काम की क्वालिटी काम देखे जरा, पूरा का पूरा इधर काम करवाया हुआ है, ठीक है. और बहुत ही खूबसूरत, जितना क्लोज से हो सके आप क्लोज वर्क दिखाएं सो दैट कस्टमर्स गेट टू नो कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्या है, ठीक है. सो जो इसका फर एक पैनल है वो है गोटे का, गोटा प्लस मुकेश का. जो अनदर पैनल है वो जस्ट मुकेश का है, नीचे से सारा का सारा. अच्छा, फिर ये एक और पैनल है, इसमें गोटा प्लस मुकेश, जो ये मैंने शर्ट से क्या बनवाया है, अंगरखा बनवाया है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा. अच्छा, इसमें ना हमने तीन कलर का ये चटापट्टी यूज किया हुआ. मैं इफ यू टर्न इट अराउंड तो मैं आप लोगों को दिखाता चलूं कि इसमें ना ये तीन फैब्रिक लिए हुए, एक गोल्डन, एक ये शैम्पेन और एक ये पिंक. ये तीन फैब्रिक लेके, क्योंकि ये तीनों के तीनों पैस्टल में है, तो इसको लेके हमने ये टेलर ने यू नो ये तीनों फैब्रिक को ज्वाइन करके फिर पहले चटापट्टी बनवाया, फिर उसके बाद लेटर ऑन लगाया, ठीक है. सो ये काफी मेहनत इसके ऊपर की जाती है. ये पूरा का पूरा इसकी आउटलुक है. यहां पर हमने लेस लगाई है जिसको हमने यहां तक कोई एम्बेलिशमेंट नहीं किया, आगे हमने एम्बेलिश किया हुआ है. और एम्बेलिश में सिर्फ हमने ये, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ रेशम वर्क ऐड किया हुआ है, देखिए सिर्फ माइन्यूट सा फ्रेंच नोट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है. और अगर आप इसके ऊपर से लुक लेके हैं तो ये हमने यहां तक वेस्ट तक इसकी पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा हैंडवर्क किया हुआ है. इफ यू लुक एट स्लीव्स, तो हमने स्लीव्स के ऊपर भी ये देखिएगा जरा, ये हमने स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह का बंच दिया हुआ है, हैंडवर्क किया हुआ है. और हैंडवर्क आप देखें जरा, ये आरी जो हमने करवाई हुई है वो भी हमने रेशम से की हुई है, फिर उसके बाद फिलिंग किए हुए, सारा दबका लगा हुआ है. दिस कम्स अ स्लीव्स, ये देखें जरा, यहां से प्लेन आ रहा था तो हमने यहां पर ये बंच दे दिया. नीचे जो गोटा मुकेश का जो हमारे पास फैब्रिक बचा था, जो शर्ट का फ्रंट से था, वो हमने यहां पर लगाया हुआ. सो एक डिजाइनर आउटफिट बना हुआ है. दिस कम्स अ बैक साइड, ये उन्होंने जो भी हमें साइज दिया उसी के साइज के मुताबिक है. दिस कम्स अ बैक साइड, बैक साइड को फिर हमने क्या किया हुआ है कि बैक साइड पर भी जो गोटा मुकेश का ये जो लाइन आ रहा था वो हमने करके फिर पैनल्स में बनाए हुए. मैं आपको इसका ड्रेस दिखाता हूं, ये मैंने बनाया किस तरह, और इधर भी फिर मैंने ये सारा बंच लगाया हुआ है. सो ये कंप्लीट इसका फ्लेयर है. अच्छा, मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह है. ये मैंने आई हैव एक्सप्लेन इट बिफोर इन माय वीडियोस. सो ऑल ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा दे रहा हूं, इट इज टू ऑल दोस जो हमारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं, ठीक है. अच्छा, ये इस तरह की शर्ट होती है, ठीक है. ये अब देखें, ये शर्ट दुपट्टा है, ठीक है. ये शर्ट दुपट्टा है, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने हाफ किया है. ये एक पैनल, ये दूसरा पैनल. ये जो पैनल है ये मैंने फ्रंट पे लगाया है, ये देखें, ये मैंने फ्रंट पे लगाया. जो इसका दूसरा पैनल है वो मैंने बैक के ऊपर लगाया है. तो ये तो आ गया है इसका, ये फ्रंट और बैक का मैंने डिवाइड कर दिया. जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसके ये आ रहे हैं, ठीक है. ये स्लीव्स है. अब ये एक नॉर्मल शर्ट है, ठीक है, नॉर्मल शर्ट जिस तरह लोग शर्ट बनवाते हैं. इसका ये जो प्लेन हिस्सा है उसका मैंने क्या किया कि ये देखें, ये स्लीव्स आ गए, ये जो इस तरह ये बना हुआ है. और इसका ये जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया के ऊपर फिर मैंने ये बंच लगाया हुआ, ठीक है. सो मैंने ये खाली नहीं होने दिया. अच्छा, कमिंग टू द अनदर पैनल, तो मैं आप लोगों को इसका ये वाला जो पैनल है, दिस पैनल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक पैनल जिसके ऊपर गोटा और मुकेश लगा हुआ है. ये कौन सा पैनल है ये मैं आपको दिखाता हूं. अब इसकी बैक है ना, बैक को भी मैंने डिवाइड किया है और इसको भी मैंने पैनल बनाए हुए. ये मैं आपको जस्ट इससे बता रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं कि ये जो ड्रेसेस बनते हैं ये किस तरह के बनते हैं. ये देखिएगा जरा, अब ये बैक है, इसका बैक के ऊपर देखें इस, अब ये डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है. इसके ऊपर गोटा प्लस मुकेश लगी हुई है, इसी को भी मैंने टू में डिवाइड किया है. एंड आई हैव यूटिलाइज्ड दिस पैनल हियर, ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि अंगरखा के लिए ज्यादा फैब्रिक चाहिए होता है, तो मेरे पास ये इस तरह का फैब्रिक होता है. ये लूज कटिंग में होता है, मेरे पास एनी टाइम अवेलेबल होता है. इसमें मुख्तलिफ डिजाइन आते रहते हैं. ये वो वाला फैब्रिक है, ये देखिएगा जरा, ये फैब्रिक,
इसको फिर मैंने डाई करवाया इन टू दिस कलर और पूरा का पूरा मैंने ये पैनल्स में इसको यूटिलाइज किया हुआ है. सो इन अदर वर्ड्स कि ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके एक शर्ट से अंगरखा बनवाया है और आप इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत. यानी शर्ट से अंगरखा बनवाना यू नो स्किलफुल काम है और आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट सच आउटफिट्स. सो ये सबसे पहला आउटफिट. अब इसके साथ जो मैंने चट्टापट्टी दिया हुआ, इसके मैंने जो लहंगा दिया हुआ, वो सारी चीजें मैंने दिखानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका ना आप लोगों को दिखाना है दुपट्टा. अब जो इसके साथ दुपट्टा है वो फुल हैवी में दुपट्टा है. हमने दुपट्टे के ऊपर कोई भी काम नहीं करवाया. ऑल वी डिड इज कि हमने सिर्फ और सिर्फ चट्टापट्टी का पूरा पलटा करवाया है जो कि हमने वहां पर दिया हुआ है और तांबे की किरण लेस दी हुई है. ठीक है, ये तांबे की किरण लेस है, ये तांबे की किरण लोकल लेस नहीं है, तांबे की किरण लेस और ये पूरा का पूरा फिर हैमिंग सारा करवा के ये इसके आउटलुक दुपट्टे की आउटलुक है. अब इसका जो कलर है ना वो इट इज अ बिट डार्कर देन द शर्ट कलर और यही वजह फिर हमने जो जो रेशम कलर यूज किया हुआ है वो हमने थोड़ा डार्क कलर यूज किया हुआ है. अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो चट्टापट्टी कलर कॉम्बिनेशन है, ये अकॉर्डिंग टू द कलर जो हमें हमसे कस्टमर बनवाता है ये उसके अकॉर्डिंग है. दिस कम्स अ दुपट्टा. अब आ जाती है बात इसकी शरारा की. अब कुछ कस्टमर्स होते हैं कुछ लहंगा बनवाते हैं कुछ शरारा बनवाते हैं. सो इस कस्टमर ने हमसे बनवाया है क्या शरारा, ये देखिएगा जरा. ये एक आउटफिट पे मैं आप लोगों को इतना टाइम ले रहा हूं इसकी वजह ये क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनता है और आई थिंक सारे कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि जो हम आउटफिट दिखाते हैं उस पर कितनी मेहनत लगती है वो हमने आपको सिर्फ दिखाना होता है. अच्छा, ये नीचे आ जाता है इसका शरारा विद अ नॉर्मल फ्लेयर क्योंकि ये ब्राइडल का नहीं है, ब्राइट का नहीं है, तो हमने इसको यू नो इतना फ्लेयरी शरारा नहीं दिया हुआ, जस्ट नॉर्मल शरारा जो कि 6 yard में बनता है. अब ये शरारा आ गया और इसके साथ मैं अभी आप लोगों को ना दुपट्टा भी दिखाता हूँ. मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना है लेटर ऑन इसका शरारा भी और फिर अभी मैं आपको ना पूरी आउटलुक दिखाता हूँ. दिस कम्स अ शरारा, नीचे ऊपर आ जाता है फ्रॉक और ये आ जाता है इसका दुपट्टा. अब दुपट्टा इसका फुल हैवी स्टाइल में बना हुआ है और इस दुपट्टे को यू कैन यूटिलाइज विद योर अदर आउटफिट्स लेटर ऑन. इस शरारे को जरूरी, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इस शरारा को इसी के साथ ही पहनना है. यू कैन यूटिलाइज दिस शरारा विद एनी ऑफ योर आउटफिट क्योंकि कलर पैस्टल पिंक है तो इस तरह के आउटफिट्स हर एक किसी के वार्डरोब में आई मस्ट से के होते हैं तो इनका कलर भी बड़ा एलिगेंट सा कलर है. सो हियर कम्स अ दुपट्टा, वो आ जाता है अंगरखा, दिस कम्स अ शरारा. सो इसके ऊपर कंप्लीट मेहनत लगती है और जब ये आउटफिट बनते हैं तो बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं. सो ये हो गया दुपट्टा. अभी आप इसको जरा हटाना, अभी मैं आप लोगों को ना शरारा दिखाऊंगा. अब जो शरारा है, शरारा के ऊपर मैंने क्या किया हुआ कि ये जो कुंदन वाली लेस है, हैंडवर्क की लेस, वो मैंने लगाई हुई और आप लेस की क्वालिटी देखिए, लुक एट द क्वालिटी. ये काफी चौड़ी लेस है और ये जो चौड़ी लेस है ये शरारा के साथ ही अच्छी लगती है. और ये देखिएगा जरा, पूरा का पूरा पलटा लगा हुआ है और उसी तरह का ओवरलॉक, सेम कलियां जिस तरह हमारा काम होता है. एज यू ऑल नो, जितनी लेस थी उतने ही हमने पलटा लगाया हुआ है. ये मेरे पास इस तरह की हैंडवर्क की लेसिस होती है, ये देखिएगा जरा, ये इस तरह की लेसिस होती है विच इज यूटिलाइज इन सच टाइप ऑफ आउटफिट्स. अब ये जरूरी नहीं है कि ये ही लेस हो, ये हम आउटफिट को देख के ये सारा का सारा हम पर कस्टमर ही छोड़ते हैं. मैंने कभी भी किसी कस्टमर को लेसिस की पिक्चर नहीं भेजी, वो मुझे कहते हैं कि भाई आप यू नो वेरी वेल और आप अपनी मर्जी से ही लगा देना. ठीक है, सो हियर कम्स अ शरारा, शरारा विद अ नॉर्मल फ्लेयर. ठीक है, ये इसके साथ आ जाता है शरारा. अब वो आ गया है फ्रॉक, ये आ गया है शरारा और ये आ गया है, ये इसकी कंप्लीट आउटलुक है. सो हूएवर इज इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ आउटफिट्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ये जो डिजाइन है, दिस डिजाइन, ये डिजाइन अवेलेबल नहीं है. इसमें मेरे पास, मुझे गोटा मुकेश के ड्रेसेस दिखाना, इसमें मेरे पास, मैंने पहले में भी दिखाया, ये मेरे पास हर वक्त ड्रेसेस आते रहते हैं. ये इस तरह के ड्रेसेस हैं, इनमें से आप कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं. आप इसको भी आप इसी तरह का आउटफिट बनवा सकते हैं. ठीक है, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से करके दिखा देता हूँ. ये मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोज में दिखा चुका हूँ, बट टू ऑल दोज न्यू कस्टमर्स जिनको, जो न्यू है, वो ये ड्रेसेस देख लें. इनमें से आप कोई भी ड्रेसेस का इस तरह का आउटफिट मेरे से बनवा सकते हैं. अगर आपने हैंडवर्क नहीं करना है, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस ऑल्सो. उसके ऊपर प्राइस कम आ जाएगी और इसके साथ सारों के साथ इसी तरह ये दुपट्टा फुल जाल में, फुल जाल में दुपट्टा. ठीक है, ओके. सो इसी में मेरे पास एक और भी है, ये भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ बिकॉज आई हैव टू शो प्लेंटी ऑफ स्टफ इन टुडेज वीडियो. सो मैं चाह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नाउ. ठीक है, ये देखिएगा जरा. सो इसमें मेरे पास एक ये जाल भी है, इसका भी आप बनवा सकते हैं. इसका दुपट्टा भी दिखा देता हूँ, ये इसके साथ आ जाता है दुपट्टा. मैं आपको ना दुपट्टा भी, ये दुपट्टा इसका. ठीक है, तो आप इसको भी, वही आउटफिट आप इसमें भी बनवा सकते हैं. ठीक है,
आप इसकी क्लोज लुक लेके आए ताकि कस्टमर्स को पता चले कि वो जो जाल पसंद करेंगे। इसमें मेरे पास और भी हैं, अगर इसी तरह के सिमिलर आउटफिट्स में कोई भी कस्टमर इंटरेस्टेड हुआ वो स्क्रीनशॉट ले, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें एंड आई विल बी सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ दीज आउटफिट्स। इसको साइड पे करना। ओके सो नेक्स्ट वी विल बी मूविंग, जिस तरह का मैंने बोला कि आज मेरे पास जितने भी ड्रेसेस हैं, लाइलक वाला जरा दिखाना, वो सारे के सारे मेरे पास स्टिच्ड आर्टिकल्स हैं एंड अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हैव बीन इंक्वायरिंग अबाउट दीज ड्रेसेस। सो ये जो मच अवेटेड वीडियो थी, हेयर यू गो, ये देखेगा जरा। अब ये एक और आउटफिट है, इफ यू गाइज रिमेंबर, इसको मैंने बनवाया था लाइट न्यूट पिंक में। अब इसी कस्टमर ने, एक और कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ है और उसने मुझे ऑर्डर दिया था लाइलक कलर में। ये लाइलक कलर में मैंने बनवाया हुआ है एंड इट लुक्स वेरी एलिगेंट। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा। ये लूप बटन स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप टिल द बेली, ये सारे लूप बटन लगे हुए। दिस कम्स अ बैक साइड प्रॉपर हैमिंग के साथ, सेम कलर वाला। ये देखे जरा, मैं आपको जस्ट ना इसकी बैक, ये इसके इनसाइड दिखाता हूँ। ये देखेगा जरा, ये इनसाइड है। इसको जरा पूरा वो करना जरा, इसको हम आज ना मैं जरा, चलो आप अपने आउटफिट ना जरा मैंने वो बैक साइड से दिखाते हैं कि हमारे जो आउटफिट्स होते हैं ना वो इनसाइड से कैसे होते हैं, ठीक है। सो आज थोड़ा मैं आप लोगों का टाइम लूंगा, कभी मैंने दिखाया नहीं है ये, मैं आप लोगों को ना सिर्फ बैक साइड दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए ये कितनी खूबसूरत, ये कितनी, कोई आप लोगों को कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। ये सिर्फ आप लोगों को मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ कि ये बैक साइड से इसका फ्लेयर देखें जरा, प्रॉपर उतनी कलियां लगी हुई हैं, कोई आप लोगों को वो नजर नहीं आएगा। लाइनिंग का मटेरियल देखें जरा, ये लाइनिंग का मटेरियल देखें, ये मैंने उल्टा करके मैं दिखा रहा हूँ और आप इसकी नफासत देखें, ठीक है। ये देखें प्रॉपर पट्टी लगी हुई है जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। ये देखें लूप यहां से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि कस्टमर्स को पता चले कि जो हमारे आउटफिट, ये देखें जरा, ये स्लीव्स का पोर्शन है सेम कलर वाला, यानी आप सिर्फ स्टिचिंग की सफाई देखें। ये आप लोगों को मैंने सिर्फ आज इस वीडियो में दिखाना था, इसको दोबारा सही करना, सिर्फ ये दिखाना था कि जो हमारे बैक साइड से, क्योंकि अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जब सूट लेते हैं, इवन के ब्रांड वाले भी, वो बैक साइड से इतनी अच्छी सफाई नहीं करता। मैं बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन ये मेरे कस्टमर्स भी कहते हैं कि जो आपकी स्टिचिंग है वो इवन के बड़े बड़े ब्रांड से भी अच्छी है। सो ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, जिसने, यू नो, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, जो मेरी हार्ड वर्किंग टीम है, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग टीम दैट आई हैव, और उनको मैंने मेंटेन किया हुआ है। एंड इफ यू पे देम ऑन टाइम तो वो आपको इस तरह का काम करके देते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि इफ यू डोंट पे देम ऑन टाइम तो वो काम में फिर गड़बड़ करते हैं। तो इफ यू पे देम ऑन टाइम तो वो आपको ना दिल से दुआ भी निकलती है, काम में बरकत भी होता है और वो अच्छे से अच्छा काम भी करते हैं। ओके सो वी विल कम बैक टू द अवर ड्रेस। अच्छा ये बना हुआ है, ये एक पैनल ये आ गया है, ठीक है, और दूसरा पैनल ये आ गया, ठीक है। लूप बटन आ गए हैं और इसके अलावा मैं आप लोग इसका जरा फ्लेयर सही करना। अच्छा इसके अलावा ना मैं आप लोगों को दिखाता हूं इसका, ये देखें ये अलग लेस लगी हुआ है, ये मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये अलग लेस है, ठीक है। इसको हमने सारा एप्लिक किया हुआ है और इस एप्लिक का ये बैक साइड देखें, उसको भी फिर हमने ओवरलॉकिंग की हुई है। जो लेसेस हमने लगाई है उसको भी हमने ओवरलॉकिंग की हुई है। ये मेरे पास इस तरह की लेसेस होती है, इनमें से आप किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ न्यू लेसेस भी आई हैं, कुछ पुरानी लेसेस भी मेरे पास हैं, तो चलो मैं दिखा देता हूं। ये देखिएगा जरा, आप इस लेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एक से बढ़कर लेस है। अच्छा जो मैंने ये वाली लेस यूज की है ना, वो एग्जैक्टली इट इज दिस लेस, ठीक है, इट इज एग्जैक्टली दिस लेस। ओके अच्छा जो ये वाली लेस है, इफ यू डिसलाइक दिस लेस तो आप इसमें इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया है और इसके अलावा ये पूरा का पूरा फ्लेयर, ये अलग डिजाइन है, ये अलग डिजाइन है। इसका जरा फैब्रिक दिखाना प्लीज, मैं आप लोगों को ना प्लीज थोड़ा टाइम लूंगा, आज थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इट इज वर्थ वॉचिंग, ठीक है। अच्छा एक पैनल ये आ गया, एक पैनल ये है, वो ये आ गया, ठीक है, और जो दूसरा पैनल है ये वाला, वो ये पैनल है, ठीक है, वो ये पैनल है, ये वाला। अब ये अलग पैनल है, ये अलग पैनल है। इफ यू डिसलाइक दिस पैनल तो आप इसमें ये पैनल भी रख सकते हैं, ठीक है, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ये ले, आप इसको भी रख सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको भी पैनल में यूज कर सकते हैं, आप इसको भी पैनल में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ले, बहुत जबरदस्त, ये हो गया। अच्छा मैंने इसको, इस फैब्रिक को मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसको स्लीव्स में यूटिलाइज किया हुआ है। सो इफ यू लाइक दिस वर्क, दिस डिजाइन, यू कैन यूटिलाइज दिस डिजाइन इन द फ्रॉक, तो वो आप वो भी कर सकते हैं, वो सारी अल्टरेशन हो सकती है। कलर की बात करूं, सो यू कैन डाई एनी कलर फॉर योर ओन चॉइस। माय सजेशन इज कि आप इसको पैस्टल में रखें, बिकॉज इट्स समर, तो समर में पैस्टल शेड्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पैस्टल में लेके, इट लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट व्हेन डाइड इन
पेस्टल शेड्स, ठीक है। सो हियर कम्स दुपट्टा जो मेरे पास है वो मेरे पूरा का पूरा मैंने इसका कटवर्क किया हुआ, ये सारा एप्लिक कर किया हुआ है, ठीक है। काफी मेहनत लगती है एक ड्रेस के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने ये देखिए हैंडवर्क भी किया हुआ है, और ये हैंडवर्क की मैंने सिर्फ और सिर्फ टचिंग दी हुई है सीक्वेंस की और पर्ल की सीक्वेंस, और ये देखिए मैंने रेम्बो में दिया हुआ है और व्हाइट में दिया हुआ है, क्योंकि ये इस आउटफिट के साथ बेस्ट जा रहा था। तो ये देखिए जरा, अच्छा यहां पर ना यहां से पल्लू वाले साइड से भी हमने कटवर्क खुद से किया हुआ है, ठीक है। सो ये एक आउटफिट बहुत ही खूबसूरत तरीके से और काफी टाइम टेकिंग होता है जब ये बनते हैं, तो इट लुक्स वे एलिगेंट, ठीक है। सो दिस कम्स अ दुपट्टा, और ये इसके साथ मेरे पास आ जाते हैं रॉसिल के पेंट्स विद सेम कलर ऑफ ओवर लॉक, एज यू ऑल नो कि मेरे जिस तरह स्टिचिंग होती है। सो हियर कम्स अ पेंट्स, नेक्स्ट वी विल बी मूविंग। और अच्छा इसकी प्राइस बताता चलो, द प्राइस विल रिमेन सेम, अगर किसी कस्टमर को ये वाला आउटफिट चाहिए रेडी टू वेयर, इसकी प्राइस आएगी 60,000। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग, और ये मेरे पास एक नोमी अंसारी का एक डिजाइन है, इसको अटलस लेके आना जो साटन सिल्क वाला वहां पर पड़ा। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास आ गया है नोमी अंसारी का एक ड्रेस था, एंड कस्टमर सेंट मी अ पिक्चर, और उन्होंने मुझे यू नो ये सेंड किया था कि आप ये इस तरह करके बनवाएं, और आप काम की क्वालिटी देखिए पहले इसके, आपकी दूर इसमें थोड़ा बहुत काम रहता है, वो काम क्या रहता है कि इसके ना एंड पे हमने पर्ल लगाने हैं, वो थोड़ा लेट हो गया था इसलिए ना मैं वो इंशाल्लाह वो भी फिनिशिंग होगी। अच्छा तो वीडियो बननी थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके सो ये पूरा का पूरा आउटफिट, द लेंथ ऑफ दिस शर्ट इज 44 या 45, इतनी लेंथ है, और वो 44 45 क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अमूमन ये जो शर्ट्स होती हैं और ये जो स्पेसिफिक ये कस्टमर है ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड, ये हमेशा लॉन्ग शर्ट्स पहनना पसंद करती है, बट दिस टाइम इन्होंने क्यों 44 45 चूज किया आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन द वीडियो। सो आप इसकी वर्क की क्वालिटी देखें, ये हमने कुंदन वाले ये देखें सारे हैंडवर्क के बटन्स हैं, ये हैंडवर्क के बटन्स हैं, और ये चट्टापट्टी किया हुआ है इनटू टू कलर्स, ठीक है। वो भी हो गया। अच्छा अब आप इसकी काम की क्वालिटी देखें, ये सारा मरोड़ी काम है, सारा फ्रेंच नोट, और ये काम कोई खराब नहीं होने वाला। आप जरा इधर देखें, ये काम कोई फंसने वाला नहीं है, जो होते हैं ना कि वो थोड़ा सा इस तरह होता है ना वो फंस जाता है, नहीं ये सारा फ्रेंच नोट। आप इसकी जरा क्लोज लुक लेके कितना दबा हुआ काम है ये देखे जरा, ये मैं क्यों बार बार करूं क्योंकि इसकी क्वालिटी ना खराब नहीं होने वाली, ठीक है। ये चीज होती है, काम बहुत लोग करते हैं लेकिन ये जो चीज है ना इसको लोग नहीं एक्सप्लेन करते। नीचे से सारा कटवर्क हमने किया जिस तरह का हमें पिक्चर सेंड की गई थी नोमी अंसारी ने बनाया, ये देखे जरा कितना बारीक काम हुआ है, कितना दबा हुआ काम है ये देखेगा जरा। ये हम इसको वैसे ही सीक्वेंस कश्ती, इसको हम कश्ती बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर ये पर्ल आ गए, तो हम इसको इस मटेरियल को हम इस तरह कश्ती कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ बोट, इनके अपने नाम होते हैं। और ये सारा फ्रेंच नोट है, इसमें जो जो कलर यूटिलाइज हुए हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जो चट्टापट्टी मैंने यूज किया हुआ है ना ये देखें जरा, मैंने यहां पर यूज नहीं किया चट्टापट्टी, मैंने चट्टापट्टी सिर्फ पाइपिंग के लिए यूज किया हुआ है इन टू दिस एंड दिस कलर, ये इसके साथ मैचिंग में आ गया है ये देखिएगा जरा, और ये जो पिंक कलर है ये इसके साथ मैचिंग में आ गया, तो ये पूरा का पूरा पाइपिंग भी हमने चट्टापट्टी में की हुई है, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस शर्ट इज 45, लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट इज 45। और आप इसकी ना जरा अच्छा जरा शुरू से आप लेके आए और ऊपर तक लेके जाए, काम सिर्फ दिखाएं कस्टमर्स को, ठीक है। काम देखें आप कितना गुता हुआ काम हुआ ये, ठीक हो गया। ये इधर आए जरा, पूरा का पूरा स्टार ये देखें, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा एक और चीज आपने नोट किया, इसके नीचे ना थोड़ा शेड आ रहा है बनारसी का, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन कि वो क्यों आ रहा है। इसके थोड़े बेल्ट स्लीव्स बने हुए, दिस कम्स स्लीव्स, ये बेल्ट स्लीव्स बने हुए, ठीक है। जितनी लेंथ उन्होंने हमें बताई थी ये हमने उतने ही बनाया हुआ है, ठीक है। ये बेल्ट स्लीव्स है इसका आ गया, ये इसकी एंटायर आउटलुक है, गले के ऊपर उस तरह चटपटी की लुक आ रही है। और काम देखे जरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काम को ना जितने करीब से दिखाना है आप दिखाएं ताकि कस्टमर्स को पता चले कि क्या काम हमारे यहाँ होता है, ठीक है। सो ये आ जाता है, दिस कम्स स्लीव्स, और ये इसके साथ इसकी बैक साइड है, ठीक है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर हमने ये घना पर्ल लगाया हुआ है, सीक्वेंस लगाया हुआ है, और इसके नीचे ये पूरा का पूरा बॉर्डर है। बॉर्डर के ऊपर आप पहले फोकस करें, ये बॉर्डर आ गया, और इसका गला देखें जरा, गला किस हद तक खूबसूरत बना हुआ है, वेरी एलिगेंट वर्क। आई थिंक कस्टमर्स ही कॉमेंट सेक्शन में बता पाएंगे कि ये कितना खूबसूरत आउटफिट बना हुआ है। अच्छा मैं आपको ना सर इसकी थोड़ा इनसाइड भी दिखा देता हूँ, इधर आए जरा आप। अब इसके ना नीचे ना जो नोमी अंसारी वालों ने बनाया था उसके भी नीचे ना थोड़ी बनारसी की लुक आ रही है। सो वट वी डिड इसके, हमने थोड़ा यू नो सिल्वर प्लस गोल्डन शेड की बनारसी प्योर विच इज बेस्ड ऑन प्योर साटन सिल्क, ये फैब्रिक है मेरे पास, ये देखिए जरा इसकी मैंने लाइनिंग दी हुई है। ये सिर्फ 4000 पर यार्ड फैब्रिक है ये वाला, इसकी मैंने लाइनिंग दी हुई है। और फिर मैंने क्या किया कि लाइनिंग क्योंकि ये बनारसी है, इसका जरा मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ,
इसकी बैक साइड ये, इसके नीचे मैंने फिर शिफोन की लाइनिंग लगाई है ताकि ये जो फैब्रिक है ये इच ना करे, ठीक है, इसकी बॉडी को. सो व्हाट आई डिड इज के मैंने इसके नीचे ना ये देखें जरा, ये शिफोन की लाइनिंग लगाई है ताकि ये इचिंग ना हो, कस्टमर जब भी पहनेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. So this comes the entire outfit. ये मैंने इसकी एक बनारसी की लुक भी आ रही है और इसके साथ जो पेंट दिया हुआ दैट इज ऑन बेस्ड ऑन प्योर 80 ग्राम रॉसल और प्योर 80 ग्राम रॉसल के ऊपर फिर मैंने पूरा का पूरा ये काम किया हुआ है. ये देखिएगा जरा, एंड दैट्स वाई हमने जो इस शर्ट की लेंथ रखी है दैट वॉज 45, ठीक है. इसकी काम की लुक देखें, इसकी बैक साइड आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा जरा, सेम कलर ओवर लॉकिंग जिस तरह हमारा काम, और इसके नीचे भी लाइनिंग लगाई है. इसके नीचे इसलिए लाइनिंग लगाई है क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ था, सो डेफिनेटली इट वाज वर्थ कि हम इसमें लाइनिंग लगाए, ठीक है. सेम कलर ओवर लॉक के साथ दिस कम्स अ पैंट, ये एक पैंच आ गया, ये दूसरा पैंच आ गया. अब मैं आप लोगों को ना इसका दिखाता हूं इसका इंटायर आउट लुक, ये देखिएगा जरा. अब इसकी शर्ट इस तरह, ये जहां पर इसकी शर्ट एंड होगी वहां से इसका पैंट शुरू हो जाएगा, ठीक है. ये था, अब इसका दुपट्टा जितना खूबसूरत बना हुआ है मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा इसके साइड पे करना. अच्छा, इसका जो दुपट्टा है, दुपट्टा इतना कमाल का दुपट्टा बना हुआ है, मैं आप लोगों को ना इसकी ओवरव्यू पहले कराऊंगा एंड देन लेटर ऑन इसकी मैं आप लोगों को क्लोज लुक दिखानी है. हियर यू गो, अब आप ये देखिए जरा, अब ये इसका सारा पूरा दुपट्टा आ गया है. ये दुपट्टा विथ फोर साइड बॉर्डर और फोर साइड बॉर्डर के ऊपर वर्क किया गया है एंड स्कैलप बनाई गई है. स्कैलप ये हैंड मशीन से स्कैलप नहीं बनाए, सारा का सारा ये हैंड वर्क हुआ है, ठीक है. अच्छा, ये इसकी आप क्लोज लुक दिखाएं, इसमें देखिए रेशम, इसमें ये हमने ये वो स्टोन है जो कि म्यूज लगाता है, हमने ये वो मटेरियल यूज किया, तो आप मटेरियल की क्वालिटी देखें. ये वो वाले स्टोन है जो कि म्यूज लगाता है, म्यूज इट्स अ बिग नेम, रेशम वर्क. और इसका ये ना स्कैलप देखें जरा, लुक एट द स्कैलप, और यहां से देखें जरा ये पल्लू साइड से ये स्कैलप इसके आ रहे हैं. सो इट इज वेरी वेरी एलिगेंट और ये इसका 3 yard का दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत और ये गना छन लगा हुआ है. अब जरा इसका दुपट्टा देखिए, जरा गना छन लगा हुआ है. द फैब्रिक इज प्योर कतान सिल्क ऑर्गेंजा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेंजा में यू नो काफी क्वालिटीज आई हुई हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सर से पिसलेगा. ये देखिए जरा, ये सर से पिसलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्योर प्योर की निशानी यही होती है. ओके, सो ये पूरा का पूरा आउटफिट का, इसको मैं थोड़ा डबल कर देता हूँ ताकि इसका कलर भी आप लोगों को समझ में आए. हियर यू गो, ये इसका मैंने डबल कर दिया, फोल्ड कर दिया ताकि इसका कलर भी विजिबल हो. सो ये पूरा का पूरा आउटफिट. और हाँ, इसके ऊपर जो मैंने पलटा लगाया हुआ, ये मैंने सेल्फ टिश्यू का पलटा लगाया हुआ, पूरी हैमिंग की गई है. तो ये कंप्लीट आ गया है, ये इसका शर्ट, दिस कम्स अ पैंट. सो हूएवर इज इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ ड्रेसेस, इन ड्रेसेस को मैं इसलिए ज्यादा टाइम लेता हूँ एक्सप्लेन करने का, बिकॉज यू नो इसको एक्सप्लेन करना होता है तो यू नो कस्टमर विल टेक प्लेस देयर ऑर्डर, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. यही ड्रेसेस लोग लोकल भी बनवा लेते हैं, बट आप लोगों ने काम की क्वालिटी देख ली. ओके, नेक्स्ट वी विल बी मूविंग. और एक मेरे पास एक साटन सिल्क का, प्योर साटन सिल्क का मेरे पास एक ड्रेस आया हुआ है जिसकी मैंने सिर्फ शर्ट स्टिच की हुई है. कस्टमर ने बोला कि आई डोंट नीड एनी हैंडवर्क ऑन इट, बस मेरी शर्ट आप बनवा लें और इसके साथ इनका जो पेंट और जो बैठा था वो हमने क्या किया कि हमने ये प्रॉपर पट्टी दे दी, आगे पीछे हमने गोटा लेस लगा दी और अंदर हमने कुंदन के बटन्स लगा दिए. ये इसका गला आ गया, ये इसका नेक आ गया, और इसके ना इन्होंने ये बोला था कि आप हैंडवर्क की लेसेस लगवाना, तो ये हमने दबके की लेसेस लगवाई हैं. ये देखिएगा जरा, दबके की लेसेस लगवाई हैं और इससे इसकी जो फिनिशिंग की हुई वो हमने छोटी बूटी जामवार से की हुई है. इसकी ये लाइनिंग आ गई है, ठीक है, ये लाइनिंग, और जितना ये लेस थी उतने ही हमने वो किया. इसको थोड़ा हमने एक्सटेंड करके लगाया ताकि इसका जामवार की थोड़ी लुक आए पाइपिंग की. ये हैंडवर्क की लेसेस हैं लाइक दीज, ठीक है, ये देखें जरा, ये इस तरह की लेसेस हैं. ये भी हैंडवर्क हुआ नहीं है लेकिन हैंडवर्क की लेसेस है, तो उन्होंने कहा उनके पास टाइम भी शॉर्ट था तो हमने इनके लिए आउटफिट बनवा दिए. ये देखिएगा जरा, ये आउटफिट है. अच्छा, ये जो लेस लगाई है ना वो एग्जैक्टली इट इज दिस लेस, तो आप ये कहीं पर भी लगा सकते हैं, बस ठीक है इतना. ये लाइट गोल्डन भी मेरे पास इसमें. ओके, तो ये पूरा का पूरा आउटफिट, इसकी ये बैक साइड, ये जो शर्ट इन्होंने बनवाई है, जो साइज था हमने साइज के अकॉर्डिंग हमने ये बनवाया हुआ, ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी मूविंग. और नेक्स्ट मैं आप लोगों को चले ये दिखा देता हूँ, ये लाइलक वाला.
ओके तो ये मेरे पास एक लाइट पर्पल में एक ओपन जैकेट स्टाइल बना हुआ है, वेरी एलिगेंट. इसके मैंने फ्रॉक्स बनवाए हुए हैं, इसके ऊपर मैंने हैंडवर्क भी किए हुए हैं. एज यू ऑल नो, जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे हर वीडियो देखते हैं उनको पता भी होगा, ठीक है. सो ये पूरा का पूरा एक ओपन जैकेट बना हुआ है. इधर मैंने हुक लगाया हुआ है, एक हुक इधर भी लगाना, वो थोड़ा भूल गया, वो मैं लेटर ऑन लगा दूंगा, ठीक है. सो ये कंप्लीट ये डिजाइन बना हुआ है. इट इज डाइड इन द इन लाइलक शेड और इसके ऊपर ये सारे मैंने क्रिस्टल लगाए हुए हैं, ठीक है. अब ये क्रिस्टल मैंने ये देखें, ये छोटा क्रिस्टल, बड़ा क्रिस्टल, सारे ये बने बनाए मिलते नहीं है. इनको दोनों को कंबाइन करके फिर हमने क्रिस्टल लगाए हुए, पाइपिंग की हुई है, सिल्क का हमने ये पलटा लगाया हुआ है और इसके नीचे जो हमने ये बॉडी दी हुई है ये मैं आपको दिखा दूं, ये इंडियन रॉ सिल्क दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन रॉ सिल्क. और उसको नीचे पूरा का पूरा हमने हेमिंग किए हुए, एज यू ऑल नो कि हमारा क्या काम होता है, ठीक है. सो ये कंप्लीट स्टिचिंग में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सब कस्टमर्स को पता है. दिस कम्स अ स्लीव्स क्रिस्टल लगाए हुए, दिस कम्स अ बैक साइड. ये पूरा एक जैकेट है, इसका दुपट्टा अभी फिनिश नहीं हुआ, सो चले मैं सिर्फ जैकेट में दिखा रहा हूं, लेकिन इसका दुपट्टा भी बड़ा एलिगेंट है. और इसके साथ जो प्लाजो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इंडियन रॉसल का प्लाजो है, ठीक है. ये देखिए सेम कलर ओवरलॉकिंग के साथ, जिस तरह हमारा काम होता है. अगेन आई एम सेइंग कि आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टिचिंग एट ऑल. आप 10,000 का आउटफिट लें और वो अच्छे से स्टिच कर, आई थिंक इट इज वर्थ मोर देन 1 lakh. और अगर कोई 1 lakh का आप आउटफिट बने और वो सही प्रॉपरली स्टिच ना हो, सो आई वुड प्रेफर 10,000 वाला आउटफिट ओवर 1 lakh. तो ये चीज होती है, सो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते. अच्छा, इसके डिजाइनिंग में आपको बताता चलो, ये इन्होंने ओपन जैकेट बनवाया. अगर आपको ये नहीं पसंद, अगर आप लोग को फ्रॉक बनवाना है, अगर आप लोग को शर्ट दुपट्टा बनवाना है, फॉर दैट मैटर साड़ी बनवानी है, तो वो भी बन जाएगी. मैं आप लोगों को ना इसके डिजाइन दिखा देता हूँ. ये हर वीडियो में मेरे पास इस तरह के डिजाइन होते हैं, ये इस तरह के डिजाइन है. इसको आप किसी भी कलर में डाई करवाएं, इसका जो रेशम का कलर है, ये जो रेशम है वो भी डाई हो जाता है, ठीक है. डिजाइन इसमें मेरे पास प्लेंटी ऑफ डिजाइन है, ऑलमोस्ट मैंने सब वीडियोस में दिखाया है. आई थिंक आई वोंट वेस्ट टाइम एक्सप्लेनिंग दीज डिजाइन. इधर यहाँ ये न्यू डिजाइन है, ये दिखा देते हैं चले. ये देखिएगा जरा, ये न्यू डिजाइन है, बड़ा प्यारा डिजाइन आया भाई, ठीक है. ये हो गया, ये तो आई थिंक मैं पहले दिखा चुका हूँ. वैसे सारे डिजाइन इनमें से अगर आपको जो भी करना हो ना वो आप कर सकते हैं. चले नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इसको जरा साइड पे करना. अच्छा नेक्स्ट हम मूव करेंगे, वी विल बी मूविंग पारसी वाला जरा मुझे दिखाना सजी. अच्छा नेक्स्ट हम छोड़ो, चले ये लास्ट वीडियो में मैंने गोटा वाले ड्रेसेस में मैंने ये इसका अनस्टिच दिखाया था, डाइड हुआ दिखाया था अनस्टिच. तो ये अभी मैं स्टिच हो गया है और ये गोटे का फ्रॉक विद अ नॉर्मल फ्लेयर, जिस तरह का हमारे गोटे के अनस्टिच मैंने ड्रेसेस दिखाए थे. इसके ऊपर मैंने कुंदन के बटन लगाए हुए, पर्पल कलर में ये डाई हुआ है. मेरे पास इसमें भी काफी सारे डिजाइन अभी भी अवेलेबल हैं, कुछ न्यू वैरायटी भी आई है. और ये सेल्फ टिश्यू का हमने पलटा लगाया हुआ है, ठीक है. और सेम कलर का ओवरलॉक, जिस तरह हमारा काम होता है, सब कस्टमर्स को पता है, उसी तरह का. दिस कम्स अ बैक सेट, फ्रंट बैक से सेम. इसका दुपट्टा किधर है? ये दुपट्टा इसका, चले दुपट्टा भी दिखा, दुपट्टे की भी हमने प्रॉपर फिनिशिंग की हुई है, ठीक है. ये दुपट्टा है, इसको इधर ही रखना, मैं डबल करके दिखाऊंगा. फोर साइड बॉर्डर में ये दुपट्टा बना हुआ है, ये तंबाकू गोटे में बना हुआ था, ठीक है. ये ले जरा, ये आ जाता है इसका दुपट्टा, ठीक है. इट इज डाइड इन डीप पर्पल कलर, ये दुपट्टे का पूरा पूरा प्रॉपर लुक. और मैं आप लोगों को ना इसको जरा ऐसे करके दिखाऊंगा, इसको जरा पकड़ना, ये इसका दुपट्टा आ जाता है. So whoever is interested, ये मेरे पास और हर वक्त ये फ्रॉक्स होते हैं, whoever is interested आप इसमें कर सकते हैं. Okay, next we have this beautiful black color dress which is based on pure 80 gram rosal. इसका पाउच सारा लेके आना और ट्राउजर्स भी. ओके सो ये मेरे पास आ जाता है प्योर 80 ग्राम रॉसल पर. और इसके ऊपर काम देखिए जरा आप, काम बहुत ही एलिगेंट काम हुआ है. ये ट्राउजर इसका ही. अच्छा काम इसका बहुत एलिगेंट हुआ है. आप जरा प्लीज 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 क्लोज लुक लेके आए, ये बड़ा ही कमाल का ड्रेस बना हुआ है. रेशम देखें, रेशम की आरी की हुई है, फिर उसके बाद हमने फिलिंग की हुई है. ये देखिएगा जरा, ये सी ग्रीन इसमें आ रहा है, जो हमें कस्टमर ने पिक्चर बताई थी उसी तरह हमने बनाया हुआ है. और आप इसकी ना क्लोज से क्लोजर क्लोजेस्ट लुक दिखाएं, ये कोई काम अड़ने वाला नहीं है. मैं बार बार एक्सप्लेन एक ही चीज कर रहा हूं. और इधर आए ना जरा, आप प्लीज जरा इधर फोकस करें, लुक एट दिस, लुक एट दिस. और ये देखे जरा, ये भी पूरा का पूरा, मतलब आप काम सिर्फ देखें ना, एक चीज की आपको कमी बेशी नजर नहीं आएगी. इतना एलिगेंट काम हुआ है. और आप थोड़ा दूर से भी करके देख, थोड़ा ऊपर से करके दिखा दे कस्टमर्स को, हाँ ऐसे करके. ये देखिएगा जरा पूरा नेक, और आप नीचे आते जाएं आप, ठीक हो गया. बहुत जबरदस्त. और इधर भी आए जरा, ये जो पॉकेट वाली साइड है, पॉकेट वाली साइड के ऊपर वर्क देखें आप जी, नीचे आए जरा, ब्लैक पे बहुत प्यारा लग रहा है. और इसके आर्म होल देखें जरा, कितना खूबसूरत आर्म होल बना हुआ है. इसमें भी ये देखें जरा, काम देखें जरा, ये आर्म होल वाली साइड पे और इधर दे, इसको जरा ना यूं करो, हाँ ये, लुक एट दिस.
इधर भी हमने वही काम किया जो पॉकेट वाली साइड पे आ रहा है। बाजू के ऊपर काम देखिए कितना खूबसूरत काम हुआ है। एंड हियर यू गो, ये इसके साथ आ जाता है विद टिच पैटर्न, ठीक है, और ये इसके स्लीव्स का एंडिंग आ गया। सो ये कंप्लीट एक आउटफिट तैयार। हुआ है और आप इसकी आउटलुक देखें। अच्छा नीचे भी आपको जरा दिखा देता हूं, इधर आए जरा नीचे देखें, नीचे कॉपी ना हम इस द लेंथ ऑफ दिस शर्ट इज 47। ये पूरा का पूरा हमने चटापटी किया और सॉरी लप्पा लगाया हुआ उसके ऊपर, फिर हमने हैंडवर्क किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें वो आप स्किप कर सकते हैं, आप प्लेन भी रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई कलर कस्टमाइजेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड को भी जरा आप फोकस करें, ठीक है। ये काम की क्वालिटी मैं बार बार इसीलिए दिखाता हूं क्योंकि वी डो नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क। ये इसका बंच आ गया, आप बंच भी देख लें, और इसका ना ये पूरा का पूरा आउटफिट बीच में फिर हमने समोसा ले। अच्छा इसका पाउच जो बना हुआ है ना, ये पाउच इसका बना हुआ है, ठीक है। पाउच देखें आप सर, लुक एट द पाउच, ये इसका पाउच है, ये इसका आ जाता है पाउच। इसका ट्राउजर भी आप दिखाएं, ये इसके साथ ट्राउजर है, ट्राउजर के ऊपर भी उसी तरह का सारा हैंडवर्क किया गया, ठीक है। ये वन साइड और ये दूसरा का, दूसरे पांचे का ये काम है। अच्छा चलिए मैं अभी आपको ना इसके एंटायर आउटलुक दिखाता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन प्योर 80 ग्राम ऑफ सिल्क, ठीक है, और ये आ जाता है इसका पूरा का पूरा आउटफिट। व्होएवर इज इंटरेस्टेड ट्राउजर को देखिए, whoever is interested in such type of dresses they can take a screenshot, color customization kar sakte hain. Such type of dresses requires 5 to 7 weeks requires hote hain is tarah ke outfit banwane mein, aur aap log is tarah outfit ban sakte hain. Appointment aapko book karni hogi aur later on the outfits will be discussed, theek hai. To ye pura tha fabric, aap change kar sakte hain. She chose pure 80 gram raw silk, you can choose any other fabric, you can you know, इतने सारे फैब्रिक्स हैं वो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर कोई कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाजू का डिजाइन नहीं पसंद, कोई और डिजाइन आप लोगों को करना है, शर्ट का ये डिजाइन पसंद है बट यू डिसलाइक दिस बाजू का डिजाइन, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी योर डिजाइन, उसी के ऊपर बन जाएगा। इफ यू डिसलाइक दिस बट यू लाइक दिस, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको नेक पैटर्न पसंद है वो आप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये पूरा पसंद है, सिर्फ ये पॉकेट वाला स्टाइल नहीं पसंद, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं, वो उसके पे अलग चार्जेस होंगे, तो वो लेटर ऑन वो हमने जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड हो उसी को साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके नेक्स्ट वी विल बी मूविंग। और ये तो इतने इसके मुझे इंक्वायरीज आए थे इस पारसी गारा के, और ये इंस्टेंटली सेल आउट हो गया, और ये मैंने स्टिच भी किया है, इट वॉज अर्जेंट स्टिचिंग। इसको मैंने व्हाइट में ही रखने दिया है। ये सारा का सारा पारसी गारा ओरिजिनल हैंडवर्क मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिर्फ स्टिचिंग दिखानी है आप लोगों को। सेम कलर का पलटा हैमिंग, ये लाइनिंग क्रेप सिल्क की लाइनिंग, और इसके अलावा ये इसके साथ आ जाते हैं स्लीव्स। अब काम देखिए कितना खूबसूरत, ये स्टिच होने के बाद बड़ा प्यारा लगता है, और इसके साथ ना बड़ा प्यारा ही सा जॉर्जेट का वो बना हुआ है, क्या नाम है, शरारा बना हुआ है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाना है। सो ये देखिएगा जरा ये पूरा का पूरा आउटफिट, और इस कस्टमर ने हमें प्लेट्स का बोला था तो मैंने प्लेट्स भी लगाए। दिस कम्स अ बैक साइड, इसको मैंने व्हाइट में ही रखने दिया है, और इसके साथ बना हुआ है शरारा, कमाल का शरारा बना हुआ है। ओके इसका शरारा ये प्योर मेरे पास जो मलाई जॉर्जेट होता है प्योर, ठीक है, प्योर मतलब प्योर चाइनीज, उसका मैंने ये शरारा बनाया हुआ है। इसका फ्लेयर भी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका बड़ा फ्लेयर है, बड़े फ्लेयर का ये शरारा मैंने बनाया हुआ है, और इसके नीचे भी मैंने लाइनिंग लगाई। अच्छा ये लेसिस अगेन मेरे पास ये लेसिस होती है, इसको मैंने अप्लिक कराई हुई है, ठीक है। दिस कम्स अ बैक साइड, पूरी की पूरी हैमिंग, सेम कलर ओवर लॉक, और जितनी कलियां शरारे में उतनी कलियां लाइनिंग में, ठीक है, जिस तरह हमारा काम होता है। सो दिस कम्स अ एंटायर फ्लेयर ऑफ दिस शरारा, ब्यूटीफुल फ्लेयर एंड ब्यूटीफुल वर्क, ठीक है। द कलर इज ऑफ व्हाइट, और इसके ऊपर जो शर्ट आएगी वो आप लोगों का भी मैंने दिखानी है। ये इसके साथ पारसी गारा की शर्ट आ गई है। अच्छा अब ये जो शरारा है ना, दिस शरारा कैन बी यूटिलाइज्ड विद एनी ऑफ योर अदर आउटफिट्स आल्सो। अगर आप लोगों का कोई ऑफ व्हाइट का कोई सूट है, या अगर आप प्लेन ड्रेस भी बनाए, ये बड़ा प्यारा लगेगा ये शरारा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सूट, और नीचे आ जाता है शरारा। इसके साथ दुपट्टा किधर गया, दुपट्टा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है बट इट्स वर्थ वॉचिंग। ये इसके साथ ये दुपट्टा आ गया, मैं आप लोगों को ना दुपट्टा, बल्कि इसको मैं डबल कर देता हूं इतना। ऐसे करके ये ले,
ये इसके साथ आ जाता है दुपट्टा, ठीक है। So whoever is interested in such type of dresses, ये जो मैं unstitched dresses दिखाता हूँ, ये उन्हीं से मुझे order आते हैं, ठीक है। So सारे customers से request है कि जो मैं unstitched dresses दिखाता हूँ, आप उन्हीं में से select किया करें, और आप लोगों के जब stitching होगी तो इस तरह के outfits बनेंगे। Next we will be moving, और क्या रहेगा इसके अलावा? अच्छा ये तो चले इसी के ऊपर आ जाते हैं। Okay, so if you turn it around, ये निकाह का outfit बना हुआ है, ये तीना दुराली inspired एक dress बना हुआ है। और ये मैं आप लोगों को इसका फ्लेयर पहले दिखाता हूँ, ये इसका पूरा फ्लेयर है, ठीक है। दिस इज द फ्लेयर, और बहुत ही खूबसूरत द फैब्रिक इज प्योर शीशा सिल्क, और शीशा सिल्क में भी बड़े ज्यादा क्वालिटीज आए हुए हैं, और आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। सो ये इसको थोड़ा आगे कर लें इस फ्लेयर को, ये इसका पूरा का चलो तो ये पूरा का पूरा इसका फ्लेयर, ठीक है। ये देखिए कैसे पूरा फ्लेयर आ गया, और अब आप इसकी क्लोज लुक लेते हैं, अब ये हम चले बॉटम से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो पिक्चर भेजी थी तीना दुरानी ने बनाए, उसी तरह ही हमने बनवाया। ये वेलवेट आ गई है, वेलवेट के ऊपर ये काम किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह का काम उन्होंने किया था, ये सारा मल्टी सीक्वेंस लगा हुआ है, और ये कोई खराब होने वाला नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा ये फ्लेयर के ऊपर आ गया। इसकी बैक साइड जमवार का हमने ये पलटा लगाया हुआ है, सारी की सारी हेमिंग हुई है। ये इसकी बैक साइड देखे, क्योंकि मैं बैक साइड से इसलिए दिखा रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी सफाई से ये बना हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ इसका पूरा का पूरा ये लाइनिंग, और फिर हमने कैनकेन भी लगाया हुआ है, और कैनकेन के नीचे भी हमने लाइनिंग लगाई हुई है, ठीक है। सो ये तो आ गया है इसका इनसाइड। अब हम टॉप की बात करें तो ये यहां से शुरू होता है, इसका पैनल यहां से बेसिकली शुरू होता है, ठीक है। तो ये यहां से ब्लाउज मैंने ना एंड में दिखाने, ब्लाउज जो कमाल का बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर आप लोग को ये ब्लैक नजर आ रहा है तो ये ब्लैक नहीं है, इट इज ग्रीन कलर, ठीक है। एमरल्ड जो डार्क ग्रीन कलर होता है ना, ये वो है। और ये सारा का सारा हमने दबका, जो मटेरियल उन्होंने यूज किया हमने भी यूज किया। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैंने थोड़ा लाइट वेट बनाया हुआ, उसकी वजह ये है कि इसकी जो प्राइस रेंज है वो बहुत हाई जा रही थी, तो कस्टमर की रेंज नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे काम यही चाहिए जो तीनों दुरानी वालों ने किया हुआ है, बट आप लोग आपने थोड़ा काम कम कर देना, क्योंकि निकाह एक ही मर्तबा होता है, एक ही फंक्शन पे पहनना होता है, उसके बाद फिर बहुत कम ये यूटिलाइज होता है। सो इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने काम की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बट काम कम किया है, जिस तरह हमें कस्टमर ने बोला। अच्छा इधर आए जरा, आप ये देखे जरा, सारा दबका लगा हुआ है, ठीक है। और आप काम देखे कितना सारा मरोड़ी का काम हुआ, ये देखिए फ्लावर देखे जरा, कमाल हो गया, इतना खूबसूरत। इधर देखे जरा, यही चीज हमने ब्लाउज में भी काम किया हुआ है, ठीक है। कोई काम अड़ने वाला नहीं है, और क्या कमाल का काम हुआ। इधर देखें, इधर हमने कटदाना लगाया, कटदाना किस हद किस खूबसूरती से लगाया हुआ है। ये इसका ना पूरा का पूरा ये आ जाता है फ्लेयर। ये मैं एक एक चीज क्लोज बार बार दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले। ये काम देखिए जरा, नहीं नहीं क्लोज दिखाएं, दूर से बाद में दिखा देंगे, लेकिन आप ना मैं क्लोज से टाइम बहुत ले रहा हूं। आप देखें काम देखिए जरा, ठीक है। ये देखिए जरा, इधर देखें जरा, अब इधर नीचे हैं थोड़ा, ये सारा सीक्वेंस लगा हुआ है। जिस अब ये ना हर तरह का काम होता है, और आप काम देखिए किस तरह किसी ने इस तरह का काम में अगर शर्ट बनवानी है, शर्ट भी बन जाएगी। पूरा का पूरा ये फ्लेयर, और आप इसको ना थोड़ा दूर भी लेके जाएं, और आप दूर से भी दिखाएं इसका फ्लेयर। इसका फ्लेयर भी दिखा चुके हैं हम आप लोगों को। अच्छा अब आप ना थोड़ा इधर इस साइड पर भी, अच्छा इसको ना थोड़ा हम टर्न इट अराउंड भी करते हैं। इसका फ्रंट बैक एब्सोल्युटली सेम बना हुआ है, सेम में बना हुआ है, बिल्कुल सेम बना हुआ है। ये इसके स्लीव्स, अच्छा स्लीव्स के ऊपर भी प्लीज जरा फोकस कर ले। ये देखिएगा जरा, लुक एट द स्लीव्स, सारा रेशम लगा हुआ है, ठीक है। स्लीव्स को देखिए जरा, किस हद तक खूबसूरत बना हुआ है। इसकी बैक साइड भी चले दिखा दें, फिर मैं इसको ना क्लोज लुक भी दिखाऊंगा। और अभी मैंने आप लोगों को ना इसका फ्रंट भी दिखाना है। अच्छा इसका दुपट्टा पहले चले, अच्छा इसका जो हमने पाउच बनाया हुआ है, दैट इज इन बटरफ्लाई शेप। कितना खूबसूरत ये पाउच देखे, बिल्कुल न्यूअर कॉन्सेप्ट। बटरफ्लाई पाउचेस ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गए थे, अब दोबारा ट्रेंड में आना शुरू हो गए, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमने ये सारे के सारे जितने भी पर्ल वगैरह यूज किए, ये भी अकॉर्डिंग टू द जो हमने वर्क किया हुआ है, ठीक है। सो ये आ जाता है पूरा इसका पाउच, और इसका दुपट्टा दिखा देते हैं, फिर मैंने आप लोगों ने इसके एक और आउटफिट भी दिखा दी। इसको इसके ऊपर करना, अच्छा दुपट्टा मैं आप लोगों को ना ऐसे करके दिखा देता हूँ, इसको जरा ऊपर रखना। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टा प्योर जरी नेट के ऊपर बना हुआ है, 3.5 गज का दुपट्टा है, और आप इसकी आउटलुक देखें, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा काम किया हुआ है।
कलर कस्टमाइजेशन एब्सोल्युटली पॉसिबल. सिर्फ आप लोगों को ना एक मैंने इसके इंटायर आउटलुक दिखानी थी, ये देखिएगा जरा. अब इसके ऊपर भी उसी तरह का काम हुआ है. वैरायटी देखे, वर्क की वैरायटी देखे, जो कस्टमर ने हमें हमें डिमांड की उसी तरह. और इसमें मैंने फ्यूजिंग डाली है, फिर उसके बाद मैंने ये पलटा किया हुआ है. ठीक है, अच्छा ये इसके साथ ब्लाउज आ जाता है, क्योंकि ब्लाउज के ऊपर मैंने काफी टाइम लेना है. ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत, ये सारा अंदर सारा रेशम, और फिर ये ऊपर जितना भी काम हुआ है ना सारा दबके का काम हुआ है. ठीक है, और आप देखें जरा, इधर देखें जरा कितना खूबसूरत काम हुआ है. ठीक है, तो ब्लाउज के ऊपर क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत की गई है, और उन्होंने कहा कि ब्लाउज जिस तरह उन्होंने बनाया हुआ है सेम एज इट इज बनाया बनाना है, क्योंकि ब्लाउज मेन फोकस है. तो आप काम की क्वालिटी देखें, ये इसकी नेक लाइन आ रही है. ठीक है, ये नेक लाइन इसके ऊपर, और आप काम देखिए ना कितना खूबसूरत, ये कोई काम अड़ने वाला नहीं है. ठीक है, आप थोड़ा नीचे भी करके लेके आए, ये सारे रेशम, और रेशम के अंदर भी ये देखे जरा, हमने ये गोल्डन तिले का टच दिया हुआ है, फिर ये सारा मरोड़ी, फिर नीचे सीक्वेंस, फिर ऊपर ये पर्ल लगा हुआ है. मतलब आप काम की सिर्फ वैरायटी देखे कितना काम खूबसूरत हुआ है. ठीक है, और ये इसके साथ आ जाता है दुपट्टा. आप इधर इसकी ना दूर से भी लुक दिखाएं और क्लोज लुक भी दिखाएं कस्टमर्स को. आप इंटायर आउटफिट की लुक दिखाएं, ये ना वो जब वो पहनेंगे तो वो कुछ इस तरह करके दिखेगा. ये इसके साथ आ जाता है दुपट्टा. ठीक है, ये दुपट्टा आ जाता है और पूरा का पूरा ये निकाह का आउटफिट. ठीक है, फ्लोर लेंथ ये टच होगा, द लेंथ ऑफ दिस फ्रॉक इज मैक्सी 16 इंचेस. और ये स्लीव्स, अच्छा स्लीव्स के ऊपर उस वक्त हमने इतना फोकस नहीं किया, ये पहले तो बताता चलो कि ये टिच बटन, और ये देखेगा जरा ये पूरा बॉर्डर, और इधर देखें आप जरा ये स्लीव्स, स्लीव्स का वर्क देखें आप. ठीक है, सो हूएवर इज इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ ड्रेसेस, इन ड्रेसेस के ऊपर 2 to 3 months लगते हैं, और जब ये बनते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं. ये पूरा का पूरा आउटफिट, ये इसका पूरा फ्लेयर, ये भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, इसका फ्लेयर जरा दिखाना. ये पूरा फ्लेयर शायद इधर आए ना, पूरा ये पूरा फ्लेयर आ गया, वो उसका दुपट्टा आ गया, और इसकी बैक साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड. ठीक है, अच्छा दुपट्टा आप लोगों को दिखाता चलूं, तो दुपट्टा भी इसको सीधा करना, ये इसके साथ दुपट्टा है, ये काफी लॉन्ग दुपट्टा है, इट इज 3+ yard. ठीक है, 3.25 गज का ऑलमोस्ट दुपट्टा है, 3.5-3.5 गज का ये दुपट्टा है, क्योंकि ये ब्राइडल का है तो ये हमने उस तरह बनाया है. होपफुली यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो. चले ये पाउच के दिखा, ये इसके साथ आ जाता है पाउच. होपफुली यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो. हूएवर इज इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ ड्रेसेस, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर बाय बुकिंग एन अपॉइंटमेंट, एंड यू विल डिस्कस इट ऑन व्हाट्सएप. सो होपफुली यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो. इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़.